वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम करने वाले हैं कुछ हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ओके, बहुत ही ईजी और बेसिक सेंटेंसेज हैं, इनको हम देख रहे हैं, इनको हम बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। सो सिंपली स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लेट नहीं करेंगे और देखते हैं इसमें जितने भी सेंटेंसेज यूज़ हो रहे हैं वो हम लोग अपनी बोलचाल में यूज़ करते हैं या नहीं। सिंपली फर्स्ट हमारा सेंटेंस है, मेरा नाम सिया है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिया की जगह जो भी आपका नाम है आपको वो डालना है। माय नेम इज़ सिया, माय नेम इज़ रानी, माय नेम इज़ जो भी आपका नाम है, आपको सिंपली वहाँ पर अपना नेम फिल करना है। ये मेरा घर है, सिंपल सेंटेंस आ रहा है यहाँ पर। ये के लिए हम दिस का यूज़ करते हैं, तो दिस इज़ माय हाउस। ओके, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, वेयर आर यू। तुम के लिए हम यू का यूज़ करते हैं और कहाँ के लिए हम वेयर का यूज़ करते हैं, राइट। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें स्कूल की जगह यानी कि जो प्लेस दिया हुआ है यहाँ पे हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू बैंक। इस तरीके से आप बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे सेंटेंसेस एक ही सेंटेंस से बना सकते हैं। नेक्स्ट है, मुझे आम पसंद है, आई लाइक मैंगोज, आई लाइक एप्पल्स। ओके, आई लाइक बनाना। जो भी आपको बोलना है, सिंपल बेसिक सेंटेंस है ये जो कि मैं आपको बता रही हूँ, और इनसे हम एक ही सेंटेंस से काफ़ी सारे सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। सूरज चमक रहा है, द सन इज़ शाइनिंग, द सन इज़ शाइनिंग। शाइनिंग यानी कि चमकने के लिए। क्या तुम खेलना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू प्ले। क्या तुम खेलना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू प्ले। मेरी माँ काम कर रही है, माई मदर इज़ वर्किंग। कंटिन्यूस टेंस के अंदर यह आता है और इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं, ठीक है। मेरी माँ काम कर रही है, माई मदर इज़ वर्किंग। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस होगा वो है, ये किताब अच्छी है, दिस बुक इज़ गुड। अब आप यहाँ पे ये नोटबुक अच्छी है, ये पेन अच्छा है, ओके। तो सिंपली हमारा इस वर्ड की जगह पर आप बहुत सारे वर्ड्स को डाल करके सेंटेंस बना सकते हैं कि ये चीज़ अच्छी है। जिस भी चीज़ के बारे में आप मतलब बोलना चाहते हैं कि ये फ़ोन अच्छा है, तो दिस फोन इज़ गुड। ये किताब अच्छी है, दिस बुक इज़ गुड। ये पेन अच्छा है, दिस पेन इज़ गुड। एक सेंटेंस से, बेसिक से एक सेंटेंस से हमने काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना लिए। आगे देखते हैं, मुझे खाना पसंद है, आई लाइक फूड। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं कि मुझे मैंगोज़ खाना, नहीं मुझे जैसे कि चाउमीन खाना पसंद है, या मुझे चाइनीज़ फूड पसंद है, तो आई लाइक चाइनीज़ फूड, आप ऐसे भी कर सकते हैं। या मुझे इटालियन पसंद है, ठीक है, या मुझे इंडियन पसंद है, आई लाइक इंडियन फूड, आई लाइक चाइनीज़ फूड, आई लाइक इटालियन फूड। इस तरीके से इसमें भी हम सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं अलग अलग। क्या तुम मुझे क्या तुम मेरी मदद करोगे, या क्या तुम मुझे मदद करोगे, दोनों का मीनिंग सेम होता है। विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी। वह बहुत प्यारा है, ही इज़ वेरी क्यूट। यहाँ पर आप सब्जेक्ट को भी चेंज कर सकते हैं, शी इज़ वेरी क्यूट। बस हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, अगर कुछ सेंटेंस है हमारा और उसके साथ में हमें ये भी याद रखना है कि जो हमारी फॉर्म यूज़ हो रही है वो क्या यूज़ हो रही है, और वो हमारा जो सब्जेक्ट है, जैसे कि ही के साथ में हम इसका यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ये वाला जो हमारा है ये सही चले, ठीक है। मैंने एक नया खिलौना ख़रीदा, आई बॉट अ न्यू टॉय, आई बॉट अ न्यू कार, आई बॉट अ न्यू क्लोथ्स। ओके, इस तरीके से सिंपल सिंपल है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये नहीं है। तुम्हारा दोस्त कौन है, हु इज़ योर फ्रेंड। ओके, हु इज़ योर फ्रेंड। तुम्हारा दोस्त कौन है, हु इज़ योर ब्रदर, हु इज़ योर सिस्टर। इस तरीके से मैंने बताया ना, आप कुछ चेंज कर सकते हैं और बहुत सारे सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। वह स्कूल में है, शी इज़ एट स्कूल, ही इज़ एट स्कूल, यू आर एट स्कूल। क्योंकि यू के साथ में हम क्या यूज़ करते हैं, यू के साथ में हम आर का यूज़ करते हैं, इसीलिए। मौसम आज बहुत अच्छा है, द वेदर इज़ वेरी नाइस टुडे। ओके, द वेदर इज़ वेरी नाइस टुडे। इस तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, कुछ और सेंटेंसेस देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आज एक नई किताब पढ़ी, मैंने आज एक नई किताब पढ़ी, आई रेड ए न्यू बुक टुडे। सिंपल, क्या तुम्हें चॉकलेट पसंद है, डू यू लाइक चॉकलेट। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, चॉकलेट की जगह कुछ भी बना सकते हैं। आप भी बहुत ही सिंपल ये सेंटेंस हैं, इनसे बहुत सारे सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखिए, जब तक हम रिपीट नहीं करेंगे किसी भी चीज़ को, बार बार बोलेंगे नहीं, वो चीज़ें हमें आएंगी नहीं। और ये हमेशा जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमें बेसिक जो सेंटेंस होते हैं उनसे ही स्टार्ट करना होता है।
मेरे पास एक पेंसिल है, आई हैव अ पेंसिल, आई हैव अ पेन, आई हैव अ बुक, आई हैव दिस, आई हैव दैट, आप बहुत सारी चीज़ों के लिए बोल सकते हैं जो आपके पास है। बाहर बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर के लिए आउटसाइड। मुझे चित्र बनाना पसंद है, यानी कि आई एन्जॉय ड्राॅइंग पिक्चर्स या आई एन्जॉय ड्राॅइंग, सिंपल हम ये भी बोल सकते हैं। तुम कितने साल के हो, हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो, हाउ ओल्ड आर यू। आई होप ये जो बेसिक सेंटेंस है आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ये चीज़ ज़रूर बताइएगा आप। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके के और भी सेंटेंसेस मैं आपके साथ में शेयर करूँ, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।